हेलो एवरीबॉडी, कैसे बनेंगे हम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर? आज मैं आपको बताती हूँ एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कौन होता है, कैसे बनता है। सक्सेस यानी कि प्रसिद्धि में लेना या ज्यादा पैसे कमाना, हर एक का अपना अपना व्याख्या होती है सक्सेस को लेके। आगे बढ़ना, प्रगति करना, उसके अंदर ज्यादा बिजनेस करना वगैरह। अब ये सक्सेस हर एक के लिए लागू होता है। मुझे नॉलेज लेके सक्सेसफुल होना है, किसी और को पैसे में सक्सेसफुल होना है, किसी तीसरे को बहुत प्रसिद्धि चाहिए, किसी चौथे को स्टार्टअप बन के आईपीओ के लेके आना है। तो ये सारी चीजों की अलग अलग डेफिनेशन है। एक्सपोर्ट में सक्सेस कैसे मिलती है और एक्सपोर्ट में सक्सेस किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट में ज्यादातर हम सक्सेस इसको बोलते हैं, नंबर वन, मोर बायर्स, मोर प्रोडक्ट्स, मोर कंट्रीज। दिस इज वेयर योर सक्सेस इज। जितना आपका टर्नओवर ज्यादा होगा, उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उतना आपके बैंकिंग में, जहां पे आपकी बैंक है, करंट अकाउंट विद फॉरेन एक्सचेंज है, वहां पर भी आपका नाम होगा, आपको बैंक की लोन्स वगैरह मिल सकेगी, आपका एक मुकाम बन जाएगा। एंड ये करते करते आपका जो स्टेटस होता है, गवर्नमेंट एक किताब देती है, गवर्नमेंट 1-star house, 2-star house करके एक सर्टिफिकेशन आपको देती है और उससे उसके साथ बहुत सारी सहूलियतें देती हैं आपको। तो ये 1-star export house, 2-star export house करके 5-star export house तक की ये बात है, जर्नी है। तो इसको भी सक्सेस बोलते हैं। कभी कभार सक्सेस इसको भी बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बाद मेरे प्रोडक्ट में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मेरी शिप को फ्लैग किया, मेरा प्रोडक्ट इतना बेनमून था। कभी कभार ये भी होता है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुझे एक अवार्ड दिया क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत अनोखा था। तो ये इसको भी सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस के अलग अलग पहलू होते हैं, बट मोर प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर कंट्रीज, आई एम नाउ इनटू एक्सपोर्टिंग इनटू वेरियस रीजन्स, और मोर बायर्स, मेरे पास बहुत सारे बायर्स हैं। हम शुरू करते हैं एक प्रोडक्ट, एक बायर, एक देश से, और हम फैलाते रहते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? सक्सेस की तो व्याख्या हमें मिल गई एक्सपोर्टिंग में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबर वन, ऑनेस्टी। हमारा जो धंधा है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो निर्यात करने का बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस, हम बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। हमने बायर को जो कमिटमेंट दिए हैं, वो सारे कमिटमेंट फुलफिल करेंगे। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। दूसरा, इंटीग्रिटी यानी कि खुदा गवाह है, यानी कि ऊपर वाला देख रहा है, ऐसा तो हमारे इंडिया में बहुत बोलते रहते हैं, पर यहाँ हमारा बायर हमारे साथ नहीं होता है और हम उसे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये प्रोडक्ट जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हम जहां से उसका शिपमेंट करेंगे, हम पूरी इंटीग्रिटी के साथ, यानी कि पूरे लगाव के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ हम ऐसे करेंगे जैसे बायर बाजू में खड़ा है। मतलब you have to be very passionate, आपके अंदर एक बहुत सारा लगन होनी चाहिए कि नहीं, मेरे बायर मेरा प्रोडक्ट देख के खुश हो जाए। तो ये इंटीग्रिटी है। तीसरी चीज है बायर के साथ का जो संबंध। अब आपका बायर सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव बायर है और बाद में वो बायर बना, उससे आपका संबंध जैसे बढ़ता गया, वो संबंध रिलेशनशिप जो है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी गरिमा, उसकी भावना आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकती है। बीच में मेरा एक क्लाइंट आए थे, ही हैड कम फ्रॉम पोलैंड। अब पोलैंड से वो यहाँ पे इंडिया आए फैक्ट्री देखने के लिए, नया प्रोडक्ट हमें बनाना था, तो उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग वगैरह क्या है प्रोडक्ट, और वापस से वो प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करनी थी पोलैंड में ही। सो वी वर वर्किंग टुगेदर, और इस बीच कोई हमारे फैमिली में शादी थी, तो हमने बोला कि चलो भाई द बिग फैट इंडियन वेडिंग भी हम देख लेते हैं।
तो हम वो पॉलिश फ्रेंड जो हमारा बिजनेस पार्टनर है उसको हम लेके वो शादी में गए। उन्होंने भी देखा ये शादी वगैरह, वहां पे सब लोग नाच रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे, तो इवन ही वॉन्टेड टू। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वॉल्वमेंट। ट्रीट हिम एज अ फैमिली मेंबर, ट्रीट हिम एज योर ओन, ट्रीट हिम। उसने आपको अभी तक बिजनेस का ऑर्डर नहीं दिया है, बट उनके साथ संबंध बनाए रखना वो आपकी जिम्मेवारी है। इट इज लाइक हाउ वी हैव द G20 मोटो, वन फैमिली वन वर्ल्ड वन फ्यूचर। सिमिलरली यू हैव टू शो टू योर बायर दैट यू आर वन फैमिली वन वर्ल्ड एंड वन फ्यूचर। सो दिस इज अ फ्यू सॉफ्ट स्किल्स। ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दो तीन टेक्निकल टिप्स मैं देना चाहूंगी। बायर का वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, संबंध जरूर रखें। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन टच विथ योर बायर रेगुलरली। बहुत प्यार से आप अपने बायर के साथ बात कर रहे हैं, उनको सैंपल भेजना ना भूले। वेरिफिकेशन ऑफ द बायर, सेंडिंग द सैंपल्स टू द बायर, देन वेरिफिकेशन ऑफ द बायर। उसके बाद आता है अगर आपने क्रेडिट पे पैसे दिए हैं तो क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है। पैकेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। चाहे मसाले हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे लेदर फुटवेयर हो, चाहे कपड़े हो, व्हाटएवर इट इज, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल ब्रिंग डिलाइट टू योर बायर। उसके बाद आपका पैकेजिंग हो गया, उसके बाद जो बायर को सामान मिलेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी सी टिप्स मैं देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज you will have to do buyer verification, credit insurance. You will also do a wonderful job of your packaging, as I told you. But usse pehle, negotiate your inco terms and payment terms with a magnifying glass, with a mental insight. दिमागी तौर पे अंदर रह के आपका costing वगैरह कैसे होगा वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। समंदर का रूट कौन सा लेना है ये पूरा दिमाग में प्लान होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली सक्सेसफुल एक्सपोर्टर मेरे हिसाब से वो है जिसको उसी बायर से रिपीट ऑर्डर मिले। रिपीट ऑर्डर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी एक्सपोर्टर। एंड रिपीट ऑर्डर, एक नहीं अनेक ऑर्डर्स मिले, दैट इज द indicator of a successful exporter. A repeat order for the same buyer makes you a successful seller, successful exporter. That is something which is the cherry on the cake. Become successful, become a good exporter. Thank you.